इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट यानी कि रामपुर असेंबली सीट पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को भारी मतों से जीत मिली थी। अब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे आसिफ राजा की याचिका पर आकाश सक्सेना को नोटिस जारी हुआ है। आकाश सक्सेना को अगस्त महीने के पहले हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना होगा। आसिम राजा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर बीजेपी आकाश सक्सेना पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक वर्ग विशेष के वोटरों को वोट डालने से रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाने की भी गंभीर आरोप लगाए थे। 252 बूथों की और जो शहर के बाहर बूथ थे सिविल लाइन एरिया के और देहात के एरिया के वो सब बूथ पे कैप्चर कर लिया गया। वहाँ 50% पोलिंग, 60%, 70%, 75% और 80% तक पोलिंग हुई है। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मर्तुदा स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा। और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.25 लाख वोटों में से मात्र 45,000 वोट पोल हुआ है और उसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने खुद ही वोट डाल लिया है। अभी काउंटिंग की स्थिति क्या है? अभी काउंटिंग की स्थिति चल रही है, लेकिन शहर में जहां समाजवादी पार्टी का वोट था, जो गढ़ था, और जहां टोटल वोट का 70% वोट है, उन वोटों को लूट लिया गया, वहां वोट डालने ही नहीं दिया गया। गौरतलब है जब रामपुर उपचुनाव हो रहा था तो काफ़ी वीडियो वायरल हो रही थी, काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डाली गई थी, जिसमें दिखाया जा रहा था किस तरीके से रामपुर में वोटिंग हो रही है या किस तरीके से लोग आरोप लगा रहे थे कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान मोहम्मद खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक PIL डाली थी। तो अगस्त के पहले हफ्ते में आकाश सक्सेना को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है और देखना ये दिलचस्प होगा कि उस जवाब के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है। बहरहाल आकाश सक्सेना की सदस्यता खतरे में नज़र आ रही है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। और अभी तक आपने इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर ताज़ी अपडेट आपके अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे।